हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन डब्ल्यूएस एकेडमी. दिस इज़ रिवीजन सीरीज़ ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड जो आज का हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ कराई रिवाइज, मैंने आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रिवाइज कराई, कल हमने प्रीएम्बल के बारे में भी पढ़ा और आज हम रिवाइज करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में. मैंने आपको इन डिटेल डिस्कस्ड मैनर में पढ़ाए हैं बैच में. अगर कोई बच्चा जो है बैच ज्वाइन करना चाहता है जो कि पीएसआई का, वो भी कर सकता है डब्ल्यूएस एकेडमी की ऐप डाउनलोड करके, या कोई भी बच्चा अगर चाहता है कि जेकेएस 2023 बैच में ज्वाइन करे वहाँ पे भी वो कर सकता है. वीएलडब्ल्यू कोर्स भी अवेलेबल है हमारी ऐप पे. तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंक्लूड किए गए पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है. जैसे मैंने आपको राइट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पढ़ाया, वो पार्ट फोर में है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट फोर ए में है. तो वैसे ही फंडामेंटल राइट्स को पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, सबसे पहली बात. दूसरी बात आपको जो याद रखनी है, जो आर्टिकल्स डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ, वो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक. आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ. मैंने आपको पढ़ाया डीपीएसपीज में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपीज में आते हैं और आर्टिकल 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है. बात सही है. तो फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल डील करते हैं वो है 12 to 35. आर्टिकल 12 to 35 डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ. शाबाश. इसके बाद दे आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट. जैसे मैंने आपको बोला था डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के टाइम या प्रीएम्बल के टाइम दे आर नॉन जस्टिसेबल, बट जो फंडामेंटल राइट्स है बहुत ज़रूरी है याद रखना, दे आर जस्टिसेबल. क्यों? क्योंकि कोर्ट्स में इनको कोर्ट्स के थ्रू इनको एनफोर्स किया जा सकता है. अगर आपको लगता है कि आपका फंडामेंटल राइट कोई वायलेट कर रहा है, आप यू कैन डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, फॉर द वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट. सो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, ये एनफोर्सेबल है बाई कोर्ट्स. तो आप कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा है, कोई छीन रहा है आपसे फंडामेंटल राइट, तो आप कोर्ट जा सकते हैं. तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसेबल है, वो एनफोर्सेबल बाय कोर्ट है. दे हैव बीन टेकन फ्रॉम यूएसए. फंडामेंटल राइट्स को हमने कहाँ से लिया है? हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया है हमने फंडामेंटल राइट्स को. ठीक है, उसके बाद 6 फंडामेंटल राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. 6 फंडामेंटल राइट्स आर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सबसे पहला क्या है? राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18, राइट टू इक्वालिटी है. ठीक है, सबसे पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18. उसके बाद है दूसरा राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22. अब सबने पढ़ा है, ये रिवीजन चल रहा है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 2 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 23 and 24. ठीक है, उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आर्टिकल 25 to 28 आ जाता है. कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स में आर्टिकल 29 and 30 आ जाता है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ में आर्टिकल 32 आ जाता है. ठीक है, मैं फिर से एक बार आपको पढ़ाऊंगी, 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़. ये 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. अभी पहले 7 राइट्स थे. कितने? पहले तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको जो है एबॉलिश किया, रिपील किया गया, फंडामेंटल राइट्स में से निकाला गया. तो अभी कितने हैं? 6 हैं. 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको फंडामेंटल राइट्स से हटाया गया और अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. इतना याद रहा, इतना रिवाइज हुआ आपको, आई होप जबान याद रहेगा आपको अब. ठीक है, फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स. क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? जो मैंने आपको अभी बताया, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1978. इट इज़ नाउ कंसिडर्ड अ लीगल राइट. अभी भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में है बट एज अ लीगल राइट, फंडामेंटल राइट अब ये नहीं है. राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हटाया गया. कब? 1978 में. ठीक, बात समझ में आ गई. आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स एक्ट एज लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव. ठीक है, तो आर्टिकल 13 जो है यह हमें बताता है क्या. तो आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 किसके साथ डील करता है? फंडामेंटल राइट्स के साथ. आर्टिकल 13 जो है, फंडामेंटल राइट्स एक्ट एज लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. देखो, आर्टिकल 13 क्या बताता है कि जो हमारे पास लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, स्टेट असेंबली होती है या एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर होता है, सिविल सर्वेंट होता है. आर्टिकल 13 बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो लिमिट करते हैं इन चीज़ों के पावर्स. फंडामेंटल राइट्स को लिमिट करता है स्टेट्स को, एग्जीक्यूटिव को. कैसे? फंडामेंटल राइट हुकूक देता है सिटीज़न को कि स्टेट को
इसको अच्छे से एजुकेशन देनी है, इसको अच्छे से फ्रीडम देनी है, इसको इक्वालिटी देनी है, अगर वो नहीं देगा तो जो इंडिविजुअल है, जो सिटीजन है, वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली. और कोर्ट क्या बोलेगा, कोर्ट इज़ द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, कोर्ट इज़ द प्रोटेक्टर एंड गार्डियन ऑफ फंडामेंटल. कोर्ट उस ऑर्डर को ही नल एंड वॉइड करार देगा. तो जो आर्टिकल 13 हमें क्या बताता है, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता है कि कोर्ट क्या करता है, कोर्ट देखता है अगर लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने या अगर कोई ऑर्डर निकाला है एग्जीक्यूटिव ने, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है, या फंडामेंटल राइट्स को बहुत वॉयलेट कर रहा है. अगर फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है तो वो ऑर्डर क्या होगा, नल एंड वॉइड होगा. तो यही हमें आर्टिकल 13 बताता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये लिमिट करते हैं पावर्स, किसके पावर्स, लेजिस्लेचर और मिनिस्टर्स के पावर्स के. वो आप ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकाल सकते हैं जिसकी वजह से आपके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो. अगर उन्होंने कोई ऐसा लॉ या ऐसा ऑर्डर निकाला जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो, तो वो जो लॉ होगा, वो ऑर्डर होगा, उसको नल एंड करार दिया जाएगा. फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एंड नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है. मतलब इसका क्या मतलब है, मतलब फंडामेंटल राइट्स को हम सस्पेंड कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को हम सस्पेंड कर सकते हैं फॉर पब्लिक इंटरेस्ट. ठीक है, हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं फंडामेंटल राइट्स पे, तो दैट मींस दे आर नॉट एब्सोल्यूट. ये एब्सोल्यूट नहीं है, आप इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं. कैसे, अगर आपको लगता है कि हमारी नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी या नेशनल सिक्योरिटी को कोई फर्क पड़ रहा है, कोई थ्रेट है, तो उस टाइम आप लोगों का फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं, अगर आपको लगता है थ्रेट है. ठीक है, पब्लिक, या अगर आपको लगता है कि कोई पब्लिक इंटरेस्ट में कोई बात है, इसे कुछ पब्लिक को हार्म है, तो फॉर टाइम बीइंग आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं. तो इसका मतलब है ये एब्सोल्यूट नहीं है. एब्सोल्यूट वो चीज़ होती है जिस पर आप कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते. जो चीज़ एब्सोल्यूट होती है ना, उस पर आप कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते. तो दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, आप इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगी, कुछ रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन्स हैं जिनमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी प्रैक्टिसेस है जो ह्यूमन बॉडी को बहुत तकलीफ देती है या बहुत पब्लिक इंटरेस्ट उसे ख़राब होता है, पब्लिक ऑर्डर ख़राब होता है, तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है इन द पब्लिक इंटरेस्ट. हम उस टाइम ये नहीं बोल सकते राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट है. हाँ, वो तो है, लेकिन अगर हमें लगेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में कोई चीज़ करनी चाहे तो उस टाइम हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं. इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते, उस पर रेस्ट्रिक्शन लग सकती है. इन केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट फंडामेंटल राइट्स कुड बी अमेंडेड. और केशवानंद भारती केस जो मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, केशवानंद भारती केस में ये बताया गया कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना है. विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर आप किसी भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए. और वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसको हम अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कुड बी एनहेंसड, रिमूव्ड और अदरवाइज ऑल्टर्ड थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास्ड बाय टू थर्ड्स मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. देखो, फंडामेंटल राइट्स हम जब अमेंडमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम मैं आपको बताऊंगी तीन तरीके होते हैं अमेंडमेंट करने के. लेकिन अगर हमें फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है, उनको चेंज करना है, उस टाइम हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए. ठीक है, 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी प्रेजेंट इन वोटिंग, वो हम अलग से पढ़ेंगे. लेकिन आपको याद रखना है फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और विदाउट चेंजिंग द बेसिक स्ट्रक्चर. फंडामेंटल राइट्स आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, ओनली आर्टिकल 20 and 21 आर नॉट सस्पेंडेड. जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जब हमारे मुल्क में क्या होती है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड होते हैं. लेकिन आर्टिकल, याद रखना, आर्टिकल 20 and 21 इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होता है. आर्टिकल 20 and 21 इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होता है. ठीक है, अंडर आर्टिकल 33 पार्लियामेंट में रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू मेंबर्स ऑफ आर इंडियन आर्मड फोर्सेस एंड पुलिस इन ऑर्डर टू एंश्योर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन. देखो, ध्यान से सुनना, आर्टिकल 33 जो है ना, ये ध्यान से याद रखना. आर्टिकल 33 हमें बताता है जो हमारे इंडियन आर्मड फोर्सेज होते हैं या पुलिस फोर्सेज होते हैं, पार्लियामेंट उनको क्या कर सकता है, पार्लियामेंट उनको उनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, उनके फंडामेंटल राइट्स को लिमिट कर सकता है, उनके फंडामेंटल राइट्स को रोक सकता है. क्यों, पार्लियामेंट इसलिए ये कर सकता है सो देट कि उनकी ड्यूटी अच्छे से वो दे और वो डिसिप्लिन रहे. मतलब वो कहीं पे भी जाके अपनी लोकेशन छोड़ेंगे और यहाँ से कोई भी आके उनको अटैक करेगा, वो भी तो मसला है फिर. या अंदर कोई भी मीटिंग हो रही है, कोई भी बात हो रही है, वो बाहर आ जाएगी, वो अफोर्ड नहीं कर सकते नेशनल इंटरेस्ट के लिए. तो पार्लियामेंट क्या करेगा, पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट कर सकता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन आर्मड फोर्स और पुलिस सो देट कि वो ड्यूटी अपनी अच्छे डिस्चार्ज करें. और ये किस आर्टिकल में आता है, ये अंडर आर्टिकल 33 आ जाता है. ठीक है, उसके बाद
फंडामेंटल राइट्स आर रिगार्ड एज अ लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ स्टेट, और फंडामेंटल राइट्स को रिगार्ड किया गया एज लिमिटेशन ऑन पावर्स ऑफ स्टेट इसलिए क्योंकि कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी, वो बोलेगी चलो बच्चों को पढ़ाई मत करो, इनको भेजो कहीं और पे, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट देता है राइट टू एजुकेशन, तो ये वो नहीं छीन सकते हैं, या वो पानी प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि राइट आप हमें आगे पढ़ाऊंगी आपको आर्टिकल 21 में बहुत सारी चीज़ें आती है, तो पानी उनको प्रोवाइड करना ही करना है क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ में आ जाता है वो सारा चीज़, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं अनलेस कि आप कोई हार्मफुल चीज़ ना करते हो, आपको कोई रिस्ट्रिक्ट, स्टेट आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी कि आप आसाम में मत जाओ, आप नागालैंड, यहाँ आप महाराष्ट्र में मत जाओ, आप गुजरात में मत जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट केम इन टू ऑपरेशन फ्रॉम 12 अक्टूबर 2005, RTI जिसको हम बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। RTI ये कब आया ऑपरेशन में, 12 अक्टूबर 2005 में ऑपरेशन में आया। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको देता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड, किसी भी गवर्नमेंट काम के रिलेटेड, आपको वो मिलता है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन कब आया, 2005 में ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। इन CPM वर्सेस भारत कुमार केस, कुछ केसेस हैं जो फंडामेंटल राइट्स के लिए आए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो बंद है वो आप नहीं दे सकते हो, बंद कॉल इलीगल है, ये एक कोर्ट में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू फ्रीडम में हालांकि आप कर सकते हो हड़ताल भी, लेकिन जो बंद कॉल आप देते हो ना वो इलीगल है, ये CPM वर्सेस भारत कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट क्या बताता है, सिटीजंस इन्वॉल्व्ड इन डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज कैन नॉट गो ऑन स्ट्राइक, एक एक्ट है हमारे पास एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, वो एक्ट हमें बताता है चलो अगर आपको आप बोलते हो मेरे हमारे पास फंडामेंटल राइट है, हमें कुछ भी करना है, लेकिन जितने भी सिटीजंस ऐसा काम करते हैं जैसे कोई एसेंशियल सर्विसेज वाले काम करता है तो वो सर स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि अगर वो स्ट्राइक पे गए तो लोगों का पानी बंद हो जाएगा, बिजली बंद हो जाएगी, वो एसेंशियल सर्विस होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में, घरों में पेशेंट्स होते हैं, तो ये एफर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए कुछ एक्ट्स आए हैं जो कि हमें बताते हैं कि पब्लिक ऑर्डर के लिए हम कभी कभी क्या कर सकते हैं, ऐसा भी आप फ्रीडम ना दो, छूट ना दो कि एसेंशियल सर्विस वाले ही फिर प्रोटेस्ट पे बैठे, बंद पे बैठे, हड़ताल पे, स्ट्राइक पे बैठे, ठीक है। B.R. अम्बेडकर सेड दैट आर्टिकल 32, या ध्यान से सुनना, आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 32, और ये किसने बोला, B.R. अम्बेडकर ने। आर्टिकल 32 क्यों है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो उन 6 फंडामेंटल राइट्स का होना उतना माने ही नहीं रखेगा जब तक ना उनकी इंप्लीमेंटेशन होगी। तो आर्टिकल 32 जो है वही हमें रिमेडी देता है, किसके लिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, यही हमें बोलता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो तो, ठीक है। तो आर्टिकल 32 के अंदर ही हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, रिट्स को इशू कर सकता है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या बोला, आर्टिकल 32 जो है वो हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 32 जो है ये भी एक फंडामेंटल राइट, खुद भी ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन बाकी फंडामेंटल राइट्स को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है आर्टिकल 32, खुद भी ये फंडामेंटल राइट ही है, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में आता है आर्टिकल 32 जो कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्यों, क्योंकि ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हमें देता है हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारी फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो, ठीक है, बात समझ में आ गई, शाबाश। देखो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जितने भी हैं ना, हम मैं टेबल के थ्रू आपको सारे आर्टिकल्स बताती हूँ, देखो आप याद रख लेना। आर्टिकल 12 हमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताती है, ये हम इन डिटेल आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 13 हमें बताती है जितने भी लॉज इनकंसिस्टेंट विद या इन डिरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है वो नल एंड वॉइड है, मतलब अगर ऐसे कोई लॉज आती हैं जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं तो वो नल एंड वॉइड करा देंगे। उसके बाद आर्टिकल 4 हमें क्या, 14 क्या बताता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये याद रख लेना कौन कौन से, किस किस बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिसेस, आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स, ठीक है, जो पहले महाराजा राजाज वाले टाइटल्स होते थे वो आप नहीं रख सकते हो। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट्स इसमें दिए गए हैं आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, अगर आपको किसी भी ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जाता है उसमें प्रोटेक्शन की, ऐसे ही कोई आप अरेस्ट करेगा फिर बंद रखेगा ऐसे थोड़ी चलेगा, अगर आपको कोई अरेस्ट करेगा उसको आपको मजिस्ट्रेट के सामने लाना है ना। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसको हम राइट टू लाइफ बोलते हैं, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आपको हक है जिंदा रहने का।
आर्टिकल 21A हमें बताता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में. आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. ठीक है. आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर. आप किसी को इंसानों को बेच नहीं सकते, उनको फोर्स्ड लेबर के लिए कंपेल नहीं कर सकते, ये हमें आर्टिकल 23 बताता है. आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा. मैंने आपको ये बैच में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बस ये रिविजन चल रहा है. आर्टिकल 24 किसके रिलेटेड है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है. आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन. आर्टिकल 25 हमें बताता है कि आप कोई भी जो प्रोफेस करते हो, कोई कर सकते हो, कोई भी रिलीजन जो आपको अच्छा लगे. आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. आपको इजाजत है आप अपने रिलीजियस अफेयर्स, जो भी आपका रिलीजन है उसके अफेयर्स आप खुद संभाल सकते हैं. आर्टिकल 27 आप फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन. अगर आप कोई भी रिलीजन प्रमोट करते हैं तो आपको उसके लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा. आर्टिकल 28 प्रोहिबिट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. मतलब जो पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स. गवर्नमेंट स्कूल्स में आप एक पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं पढ़ा सकते हैं ना. गवर्नमेंट स्कूल्स में हर एक बच्चा होगा और हमारी स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, तो आप गवर्नमेंट स्कूल में इस्लाम की टीचिंग्स या सिखिज्म ऐसा कुछ नहीं पढ़ा सकते हो, या फोर्स नहीं कर सकते हो. सुबह जब प्रेयर होती है एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, आप फोर्स किसी को नहीं कर सकते हो. आर्टिकल 29 हमें क्या बताता है? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चरल ऑफ माइनॉरिटीज़. जितने भी माइनॉरिटीज़ वाले लोग हैं उनकी जो लैंग्वेज है उनको वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने कल्चर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं. आर्टिकल 30 हमें क्या बताता है कि जो माइनॉरिटीज़ है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर सकते हैं. आपको पता है ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो मुस्लिम्स अपने हिसाब से सेटअप करते हैं, तो आपको राइट टू जो है एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है. या हिंदूज के होते हैं, धर्मशालाज होते हैं, मदरसाज होते हैं, तो वो अभी भी चल रहे हैं, है ना. उसके बाद है जो है आपको मैंने बताया आर्टिकल 32 क्या है, वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं. ठीक है. तो मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी जो मैं देखूंगी आपको कितना याद है. आप मुझे बताएं आर्टिकल 16 हमें क्या बताता है. आर्टिकल 16 हमें क्या बताता है आप लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में. शाबाश. ये इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. अगर गवर्नमेंट कोई रिक्रूटमेंट करती है तो हर एक बंदा जो है अप्लाई कर सकता है उसमें. ठीक है. तो आर्टिकल 16 इसके लिए. तो आर्टिकल 18 किसके रिलेटेड है ये आप मुझे लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में. आर्टिकल 18. शाबाश. वेरी गुड. एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक. तो आप कोई टाइटल नाम के साथ नहीं रख सकते हो, लेकिन एकेडमिक वाला रख सकते हो, जैसे इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, या मिलिट्री वाला कर्नल रखते हैं, मेजर रखते हैं आगे. ठीक है. अच्छा मुझे बताइए आर्टिकल जो है 24 किसके रिलेटेड है. शाबाश. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज. ठीक है. तो जैसे चिल्ड्रन को हम हार्मफुल फैक्ट्रीज में डाल देते हैं, चाइल्ड लेबर कराते हैं. ठीक है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी आता है. ठीक है. बात समझ में आ गई. तो सिक्स राइट्स अंडर आर्टिकल 19 क्या क्या आ जाते हैं? जो छः राइट्स आएंगे ना अंडर आर्टिकल 19 वो क्या क्या हैं? तो देखिए, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सिक्स राइट्स अंडर आर्टिकल 19, जो आर्टिकल 19 है ना वो हमें राइट टू फ्रीडम देता है. आर्टिकल 19. ठीक है. आर्टिकल 19 हमें राइट टू फ्रीडम देता है. इसमें छह राइट्स आते हैं अंदर से. क्या क्या? देखो, सबसे पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है आर्टिकल 19 में. दूसरा फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, कि आप असेंबल हो सकते हैं किसी कॉज के लिए लेकिन आपको गन नहीं उठाना है उसके लिए. ठीक है. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आप एसोसिएशन बना सकते हो बहुत सारी. आप ड्यूटी पे हो, आप जॉब पे एसोसिएशन बना सकते हो, अपने कम्युनिटी में एसोसिएशन बना सकते हो. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ अवर कंट्री, आप हमारी पूरी कंट्री में अगर आप कहीं पे भी जाना जा सकते हो, आप जा सकते हो. केरला जा सकते हो, केरला के लोग तमिलनाडु जा सकते हैं, तमिलनाडु के लोग हरियाणा जा सकते हैं घूमने के लिए, तो आप जा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एक और क्या है? फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया, आप कहीं पे भी रिजाइड हो सकते हैं, आप कहीं पे भी रह सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि आप पंजाब में रहें तो आप वहाँ पे जाके वहाँ पे रह सकते हैं ना, लेकिन कुछ ट्राइबल एरियाज है जहाँ पे आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है पहले. बाकी अगर आप किसी भी स्टेट में रहना चाहोगे आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको ये फंडामेंटल राइट है. द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा. अगर चाहे आप कोई भी कारपेंटर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, आपको कोई नहीं रोकेगा, ये आपका फंडामेंटल राइट है. हाँ, अगर आप डॉक्टर एज अ प्रैक्टिस करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना, क्योंकि ये जिंदगी का सवाल होता है.
तो कुछ ऐसी जो टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्रीज है वो आपको कुछ ऑक्यूपेशंस के लिए चाहिए। जैसे आप डॉक्टर का काम करना चाहते हैं तो आपके लिए वो मेडिकल एक डिग्री होनी चाहिए। अगर आप इंजीनियर का काम करना चाहते हो तो आपको वो डिग्री होनी चाहिए। अदरवाइज आप कोई भी प्रोफेशन ये अडॉप्ट कर लो, आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर लो, आपको कोई रोकेगा नहीं। ये फंडामेंटल राइट्स में आता है। अब हम इन आर्टिकल्स को इन डिटेल पढ़ेंगे, कुछ आर्टिकल्स को। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 हमें क्या बताता है? ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है। इसमें क्या क्या था? देखो, स्टेट, जब भी हम ये वर्ड स्टेट यूज़ करोगे ना, उसमें उसका मतलब क्या क्या आ सकता है उसमें, जब ये वाली चीज़ें आएंगी ना, हम इनके बदले स्टेट वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जैसे गवर्नमेंट के लिए और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के लिए, गवर्नमेंट के लिए और लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट और उनका लेजिस्लेचर, उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जितने भी लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं उनके लिए है, ठीक है। पंचायत, म्यूनसिपलिटीज, ऑल अदर अथॉरिटीज अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जितनी भी बाकी अथॉरिटीज है जो अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो क्या? स्टेट वर्ड, ठीक है। तो जब डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या आती है अंडर आर्टिकल 12, ये हमने पढ़ा। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, पंचायत, ये सारे कुछ आते हैं एज अ स्टेट, ठीक है। उसके बाद है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कब सस्पेंड होते हैं? देखो, आर्टिकल 358 हमें क्या बताता है? स्टेट इज दैट द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल नेगेशन। देखो, जो आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल 19 में कितने फंडामेंटल राइट्स अंदर से आते हैं? 6, जो मैंने आपको बताया, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म असेंबली विदाउट आर्म्स, ठीक है। तो आर्टिकल 19 में जो 6 फंडामेंटल राइट्स अंदर है ना, वो सस्पेंड होते हैं ऑटोमेटिकली। कब कब होते हैं सस्पेंड ऑटोमेटिकली? वो होते हैं जब नेशनल इमरजेंसी हो, लेकिन ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, हम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, तो उस टाइम पे आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है। और ये हमें कौन बताता है? ये बात हमें आर्टिकल 358 बताता है। आर्टिकल 358 हमें बताता है कि जो आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जब नेशनल इमरजेंसी लगती है ऑन द बेसिस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। याद रख लेना, यही पॉइंट्स एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं। आर्टिकल 358 हमें बताता है जो आर्टिकल 19 है फंडामेंटल राइट, वो सस्पेंड होता है ऑटोमेटिकली जब नेशनल इमरजेंसी लगती है ऑन द बेसिस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। हाउएवर, इफ नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल आर्मड रेबेलियन, द राइट आर नॉट ऑटोमेटिकली सस्पेंड। लेकिन अगर किसी और रीजन की वजह से नेशनल इमरजेंसी लगी, जैसे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल आर्मड रेबेलियन, उस बेसिस पे उस टाइम आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। वो तब सस्पेंड होता है जब नेशनल इमरजेंसी किस बेसिस पे लगी? वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। तो इंटरनल बेसिस पे आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता है। आर्टिकल 359 स्टेट्स दैट President may be by any order can issue a proclamation to suspend all the fundamental rights mentioned in part 3rd except 20 and 21. देखो, article 359 क्या बताता है? 358 आपको समझ आ गया? शाबाश। आर्टिकल 359 हमें बताता है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? इशू कर सकता है एक ऑर्डर। उस ऑर्डर में वो लिखेगा कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड में है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड में है, वो सस्पेंड कर सकता है ड्यूरिंग, वो ही सस्पेंड कर सकता है, यूजुअली ड्यूरिंग इमरजेंसी करता है। तो लेकिन दो आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते हैं, आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। तो आर्टिकल 359 हमें बताता है प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? इशू कर सकता है एक प्रोक्लेमेशन जिसमें वो हमें बता सकता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट थर्ड में, उनको वो सस्पेंड कर सकता है, लेकिन एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। तो आपको याद रख लेना कि आर्टिकल 350 हमें आर्टिकल 19 के बारे में बताता है, लेकिन आर्टिकल 359 के टाइम प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालता है बाकी फंडामेंटल राइट के लिए, ठीक है। देखो, आर्टिकल 14 हम देख लेते हैं। आर्टिकल 14 हमें आपको क्या गारंटी करता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एज वेल एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज टू ऑल पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी में आता है, ये आपको बताता है कि अगर दो लोग चोरी करेंगे, एक अमीर घर से होगा और दूसरा गरीब घर से होगा, उन पे दोनों पे लॉ इक्वल अप्लाई होगा, सेम लॉ अप्लाई होगा सेम चोरी के लिए, और वो लॉ के सामने बराबर है, उनको इक्वल कंडीशंस में रखा जाएगा। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ एनी ऑफ देम। तो आर्टिकल 15 आपको क्या बोलता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, आप भेदभाव नहीं कर सकते हो किस बेस पे? रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, इन बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। आर्टिकल
16 क्या बताता है कि अगर आप गवर्नमेंट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है उसको वो इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है सबको, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे कोई जो है जाट से है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है एम्प्लॉयमेंट की। आर्टिकल 17 हमें बताता है कि जो आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते थे शेड्यूल कास्ट के साथ, दलित कास्ट के साथ, वो इलीगल है, आप नहीं कर सकते हो वो। आर्टिकल 18 हमें क्या बताता है कि आप टाइटल नहीं रख सकते हो, राजा महाराजा महारानी कोई टाइटल अपने नाम के साथ नहीं रख सकते हो। इवन जो आपको अवार्ड भी मिलते हैं ना, तो मतलब यहाँ पे आपको लेकिन एक याद क्या रखना है, कभी आपको क्वेश्चन में कैसे फंस सकते हो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो जो होती है ना, जैसे डॉक्टर होता है, प्रोफेसर होता है या इंजीनियर होता है, वो आप रख सकते हो, ठीक है, या मिलिट्री कोई भी क्वालिफिकेशन होती है वो भी रख सकते हो। बात समझ में आ गई। और आप किसी फॉरेन स्टेट से टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, या अगर आपको गिफ्ट मिलते हैं ना उन फॉरेन स्टेट से, आपको प्रेजिडेंट की इजाज़त चाहिए वो लेने में, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 19 आपको 6 फ्रीडम्स की गारंटी करता है, 6 फ्रीडम्स जो मैंने मैंने आपको बताए वो क्या क्या है, राइट टू फ्रीडम है, एक्सप्रेशन है उसमें, असेंबली है, एसोसिएशन है, फ्रीडम टू रिजाइड है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस इन सर्टेन रेस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग द राइट अगेंस्ट एक्सपोज फैक्ट टू लॉ, डबल टू योर बॉडी एंड फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। देखो अगर आपने कोई चीज़ गलती की, आपको पकड़ा जाता है, आपको ज़बरदस्ती नहीं करा जाएगा कि आप अपने खिलाफ बयान दो, ठीक है, या एक बार आपको सज़ा मिलती है फिर दूसरी बार आपको उसी बात पर सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आर्टिकल 20 हमें बताता है। आर्टिकल 21 आपको राइट टू लाइफ देता है, इसमें आपको राइट टू मतलब जितनी भी लाइफ के लिए ज़रूरी है, एक अच्छा एनवायरमेंट है, साफ़ पानी है, सब कुछ आपको वो इस आर्टिकल 21 में मिलता है। आर्टिकल 21A हमें राइट टू एजुकेशन बताता है एलिमेंट्री लेवल के लिए, ठीक है। ये बनाया गया फंडामेंटल राइट कब, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के टाइम, जो कि 2002 में आया, ठीक है। ये फ्री एंड कंपल्सरी जो है, एक सेकेंड, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। इसके बाद आर्टिकल 22 जो है प्रोवाइड स्पेसिफिक राइट्स टू अरेस्टेड एंड डिटेन्ड पर्सन, इन पर्टिकुलर द राइट्स टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। देखो अगर आपको डिटेन किया जाता है, ठीक है, आपको डिटेन किया जाता है, अगर आपको डिटेन करने आते हैं ना, तो आपको वो उनको बोलना है आपको कि डिटेन किस बेसिस पे किया जा रहा है, और अगर आपको डिटेन किया जा रहा है तो उनको आपको लॉयर, अगर आपका हक है कि आप लॉयर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दो टाइप्स होते हैं डिटेन की, एक तो पुनिटिव डिटेंशन कि आपकी सज़ा मिलती है वो एज अ डिटेंशन, दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन कि अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि आपकी वजह से खतरा है कहीं पे, या आप कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर खराब करोगे, तो उस टाइम आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जाता है अंदर, ठीक है। और अगर आपको डिटेन किया जाता है ऑन पुनिटिव डिटेंशन, ऐसे अरेस्ट किया जाता है, तो 24 आवर्स में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो जैसे पहले भेजा जाता था बहुत सारी यूजुअली फीमेल्स को या चिल्ड्रन को, वो बहुत वो पनिशेबल है और इलीगल माना जाता है, और फोर्स्ड लेबर भी आपको कोई नहीं करा सकते। आर्टिकल 24 जो है वो प्रोहिबिट करेगा चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको फैक्ट्रीज और माइंस में या बाकी हैजर्डस जॉब्स नहीं करने देना है, वो इलीगल है अगर उन पर जॉब पर लगाएगा कोई। तो आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 किसके लिए रिलेटेड है, रिलीजन के रिलेटेड, कि आप जो भी रिलीजन प्रोफेस करना चाहोगे आपको अलाउ किया जाएगा, आप रिलीजन के अफेयर्स को संभालना चाहोगे वो भी आपको अलाउ किया जाएगा, आप अगर किसी रिलीजन की आपके पास प्रॉपर्टी या कुछ है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा आपको अगर आप उसको संभाल रहे हैं, और आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन है उसमें आप जो है किसी पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं पढ़ा सकते हो, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो बच्चों को वहाँ पर पढ़ने के लिए। तो आर्टिकल 29 मैंने आपको बताया कि जो माइनॉरिटीज़ है यहाँ पे उनको ये राइट दिया जाता है कि वो प्रिजर्व कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को, कल्चर को, ठीक है। और आर्टिकल 30 हमें क्या बताता है, वो माइनॉरिटीज़ को ये अलाउ करता है कि आप अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर सकते हो, जैसे मदरसाज है या मुस्लिम ट्रस्ट के स्कूल्स है या हिंदू ट्रस्ट के स्कूल्स है, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जो रिलीजन के बेसिस नाम पे होते हैं, तो ये अलाउ किया जाता है, ठीक है। और आर्टिकल 32 के बारे में मैंने आपको बताया, आर्टिकल 32 खुद भी एक फंडामेंटल राइट्स है और फंडामेंटल राइट्स के लिए ही रखा गया है, सो देट कि आप डायरेक्टली मूव कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में आपकी बात सुनी जाएगी आर्टिकल 32 के बेसिस पे, और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है इशूज़, और 4 रिट्स इशू कर सकता है, और 5 टाइप्स की रिट्स क्या होती है मैंने आपको अलग से पढ़ाया है ऑलरेडी, मैंने उस पर एक लेक्चर दिया है, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है प्लेलिस्ट में, JKPSI रिविजन सीरीज इंडियन पॉलिटी प्लेस में मैंने रखा है उसको। 5 टाइप्स की रिट्स होती हैं, हिबस कॉर्पस, मैंडमस, सर्चरी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, ठीक है।
तो ये सब कुछ ना फंडामेंटल राइट्स के बारे में, आई होप आपका अच्छे से रिवाइज हुआ होगा। मैंने आपको इन डिटेल इसमें पढ़ा है बैच में। अगर किसी बच्चे ने अच्छे से पॉलिटी नहीं पढ़ी है या फंडामेंटल राइट्स नहीं आते हैं, प्लीज़ ज्वाइन द बैच ऑफ JKPSI या जो हम अभी चला रहे JKS वाला, लेकिन JKPSI बैच में पूरा देखे हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो वो। तो इट वॉज ओनली फॉर रिविजन पर्पज, अदरवाइज अगर जब हम पढ़ते हैं तो हम इन डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस सीरीज और नॉट। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।